PUBG मोबाइल एंड बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया यानी कि BGMI, इन दोनों में 2.8 अपडेट आ रहा है, वो भी कई नए फीचर्स और चेंजेस के साथ। तो चलिए इस नए 2.8 अपडेट को पूरा एक्सप्लेन करते हुए इसके फीचर्स एंड चेंजेस देखते हैं। गेम स्टार्ट होते ही आपको वेटिंग लॉबी कुछ इस तरह की देखने को मिलेगी। ये PUBG मोबाइल के 1.6 अपडेट जो कि फ्लोरा मेनेंस मोड आया था उसी का एक तरीके से ज़ॉम्बी वर्जन है। दूसरा फीचर इन गेम ऑटो ऑडियो मार्कर है। इस फीचर में आप जब भी किसी लोकेशन पर मार्क लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली उस लोकेशन पर जाने के लिए साउंड आएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने मैप पर मार्क लगाया और एक इन गेम साउंड जनरेट हो गई वहाँ लैंड करने के लिए। Let's head to military base. Let's head to Novorepnoy. तीसरे फीचर में आप देखेंगे कि प्लेन से जंप करने पर आपके कैरेक्टर का एनिमेशन थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। यहाँ पर आप साइड बाय साइड कंपैरिजन देख सकते हैं। लेफ्ट साइड में नया वाला एनिमेशन है और राइट साइड में पुराना वाला एनिमेशन है। फोर्थ फीचर में आपको एक नई बिल्डिंग देखने को मिलेगी। ये बिल्डिंग मैप पर यासनाया जहार की मिलिट्री बेस आइलैंड एंड प्राइमोस के पास देखने को मिलेगी। KFC बिल्डिंग के अंदर दो हेल्थ शॉप होगी और इस शॉप में सिर्फ हेल्थ से रिलेटेड आइटम मिलेंगे जैसे कि हेल्थ किट, पेन किलर। फिफ्थ फीचर में आपको एक नई तरह की हेल्थ किट देखने को मिलेगी। ये हेल्थ किट आप KFC शॉप से 10 टोकन में खरीद सकते हैं और KFC शॉप में ये नॉर्मल आइटम की तरह भी स्पॉन होगी। इस हेल्थ किट का नाम PUBG चिकन डिनर है। इस हेल्थ किट को यूज करने पर आपकी हेल्थ के साथ ही साथ आपकी बूस्ट लाइन भी फुल हो जाएगी। हम ये कह सकते हैं कि ये मेथ किट और सिरिंज का कॉम्बिनेशन है। सिक्स्थ फीचर में मैं आपको एक नई वेपन के बारे में बताऊंगा जो कि अरैंगल में आ रहा है। इस वेपन का नाम MK12 है। MK12 अरैंगल में नॉर्मल लूट में ही स्पॉन होगी। MK12 गन मिनी 14 गन की तरह DMR है। चलो देखते हैं कि मिनी या MK12 में किस गन का डैमेज ज्यादा है। लेफ्ट साइड में MK12 है और राइट साइड में मिनी 14। MK12 का डैमेज 107 है और दूसरी तरफ मिनी 14 का डैमेज 112। MK12 का डैमेज मिनी से कम है, मतलब कि अगर आपको इन दोनों में से कोई चॉइस करनी है तो आप मिनी 14 उठा सकते हैं। सातवें फीचर की बात करें तो उसमें आपको एक नया अटैचमेंट देखने को मिलेगा जो कि क्रॉसबो पर लगेगा। ये वाला अटैचमेंट आप सप्लाई स्टोर से 5 टोकन में खरीद सकते हैं। इस अटैचमेंट को क्रॉसबो पर लगाने से क्रॉसबो का डैमेज बढ़ जाएगा। आप साइड बाय साइड देख सकते हैं दोनों में डिफरेंस। नॉर्मल क्रॉसबो जो कि बिना अटैचमेंट के है और क्रॉसबो जिसमें अटैचमेंट लगा है। अटैचमेंट वाला क्रॉसबो थोड़ी देर बाद ब्लास्ट भी हो जाता है पर नॉर्मल वाला नहीं होता। इस अटैचमेंट का एक फायदा और है कि अगर आपने अपने एनिमी को बॉडी शॉट भी मारा तो वो एक ही बार में नॉक हो जाएगा। आठवें फीचर में बात करेंगे कुछ चेंजेस की जो कि गन से रिलेटेड है। सबसे पहले बात करते हैं ओक की। ओक ड्रॉप से हटाकर नॉर्मल वेपन में इंक्लूड कर दी गई है, मतलब कि 2.8 अपडेट के बाद से आपको ओक नॉर्मल वेपन में बाकी वेपन की तरह नॉर्मली स्पॉन होती हुई मिलेगी। चेंजेस की बात कर ही रहे हैं तो नाइन्थ फीचर में आपको फेमस गन में जो चेंजेस किए गए हैं उसके बारे में बताता हूँ। इस गन को एयर ड्रॉप वेपन बना दिया गया है और इस गन का डैमेज और फायरिंग रेट थोड़ा इंक्रीज कर दिया गया है, लेकिन इस गन से एक्सटेंथ मैगजीन हटा के इसको 30 बुलेट वेपन बना दिया है। इसमें अब आप एक्सटेंडेड मैगजीन नहीं लगा सकते, इसमें सिर्फ एक अटैचमेंट लगेगा जो कि मजल है। दसवें फीचर में दो न्यू लोकेशन ऐड कर दी गई है जैसा कि हर अपडेट में होता है। पहली लोकेशन आपको रजौक के ऊपर की तरफ देखने को मिल जाएगी और दूसरी लोकेशन आपको फेरी पिया के ऊपर की तरफ देखने को मिल जाएगी। जैसे ही आप इसके अंदर लैंड करेंगे आपको रिस्पॉन कार्ड मिल जाएगा जो कि सिर्फ 12 मिनट तक ही काम करता है। यहाँ लैंड होते ही आपको 2 मिनट का टाइमर अपनी स्क्रीन पर रन होता हुआ दिखेगा और आपको हर जगह ज़ॉम्बी के ग्रुप देखने को मिलेंगे। ज़ॉम्बी के ग्रुप को मारने पर आपको ढेर सारी लूट मिलेगी। इन ज़ॉम्बीज़ को मारने में ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। अभी तक तो ये ज़ॉम्बी एक नेट में ही मर जा रहे हैं, लेकिन फाइनल वर्जन में ज़ॉम्बी की हेल्थ और इंक्रीज कर दी जाएगी। उसके बाद ज़ॉम्बीज़ को किल करने के लिए उसको थोड़ा ज्यादा मारना पड़ेगा। लोकेशन का मैं आपको टॉप व्यू दिखाता हूँ जिससे आप आसानी से इस लोकेशन का मैप समझ जाए। मैं इस लोकेशन के सेंटर पर खड़ा हूँ। 2 मिनट का टाइमर जब खत्म होगा तब आपको एक बड़ा ज़ॉम्बी देखने को मिलेगा। इसको मारने के बाद आपको बहुत सारी लूट देखने को मिलेगी। लूट में 2 गिली सूट, स्कोप्स, ग्रोजा, मशीन गन, AWM मतलब की हैवी वेपन, अगर इन शॉर्ट बोला जाए तो आपको सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पर। आपको इस लोकेशन के 6 मिनी वर्जन मिल जाएंगे। यहाँ ज़ॉम्बी को मारने पर वही लूट मिलेगी जो कि बड़े वाले ज़ॉम्बी को मारने पर मिलती है, पर इसकी क्वांटिटी कम होगी। वहाँ 3 लोगों की लूट मिल जाएगी ज़ॉम्बी को मारने पर, तो यहाँ 1 लोग की लूट यहाँ पर भले ही कम मिलेगी लेकिन ज़ॉम्बी को मारना भी यहाँ पर आसान होगा। 11th फीचर में आपको पावर्स और आइटम्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहला आइटम मैगलेव होवरबोर्ड है। होवरबोर्ड आपको न्यू लोकेशन पर आसानी से मिल जाएगा। होवरबोर्ड ज़ॉम्बी को मारने पर भी मिलता है। जब न मिल रही हो गद्दी, चलाओ होवरबोर्ड बॉडी। 11th फीचर में पहली पावर का नाम म्यूटेशन गॉन्टलेट्स है। इस पावर में आपके हाथ में गॉन्टलेट्स आ जाएगा। गॉन्टलेट्स मतलब कि लोहे का हाथ। इसको यूज करने पर अगर आप फायर बटन प्रेस करेंगे
तो आपका कैरेक्टर पंच करेंगे, लेकिन अगर आप येलो वाला बटन दबाए रहेंगे तो आपका कैरेक्टर पावर को चार्ज करेगा और आप जहां पर एम करेगा वो वहां पर एक पावरफुल पंच करेगा। पंच के बाद उसके अगल बगल स्पाइक्स आ जाएंगे जो कि आपको कवर दे देगा, लेकिन इन स्पाइक्स को फायर करके बड़े ही आसानी से तोड़ा जा सकता है। 11th फीचर में दूसरी पावर का नाम है म्यूटेशन ब्लेड। इस पावर में आपके हाथ में एक शार्प ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फायर बटन दबाने पर वो अटैक करेगा ब्लेड का यूज करते हुए, और अगर आप येलो वाला बटन दबाए रहेंगे तो आपका कैरेक्टर पावर को चार्ज करेगा। उसके बाद आप जहां पर भी एरो की मदद से एम करेगा वो वहां पर स्प्रिंट करते हुए जाएगा। आप इस पावर का यूज करते हुए किसी भी बिल्डिंग के ऊपर जाकर कैंप कर सकते हैं। इस पावर को लगातार आप 3 बार यूज कर सकते हैं, हर यूज के बाद ये थोड़ा कूल डाउन टाइम लेगा। 12th फीचर में कई लोग बता रहे हैं कि आपके टीममेट को आपके नेड मोलोटोव से डैमेज नहीं होगा, पर ये एक मिथ है। आपके टीममेट को आपके नेड मोलोटोव इन सबसे डैमेज होगा, पर वो डैमेज थोड़ा सा कम होगा इन कंपैरिजन टू योर एनिमी। और दूसरी बात, अगर आप व्हीकल के अंदर है और आपका टीममेट आपकी व्हीकल को डैमेज करता है तो व्हीकल को डैमेज होगा पर एक पॉइंट तक, उसके बाद आपकी व्हीकल को कोई भी डैमेज नहीं होगा आपके टीममेट से। आपका टीममेट आपकी गाड़ी को ब्लास्ट नहीं कर पाएगा जब तक आप उस गाड़ी के अंदर रहेंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।